hello students and welcome back to bankexamstudy.com my name is ramandeep singh and today i'm going to discuss what you should not do at the time of ibps rrb scale 2 and scale 3 interviews uh, the certain mistakes that you need to avoid at the time of the interview a lot of people are going to tell you yepoldo but nobody is going to tell you what not to do at the time of the interview very important session i have done at least 10 mock interview sessions in last three four days and uh, in the last ten, three four sessions three four days i have understood that what you should avoid doing at the time of interviews right that's what i'm going to discuss today okay so first of all my name is ramandeep singh and i've been teaching on bank exam today from last 12 years uh, this is my WhatsApp number where you can ask your all your doubts and we are going to answer all your doubts, right? And I have been teaching for uh, various scale to scale three exams. I already told you from twelve years and and I have conducted a lot of mock interviews with my colleagues, right? So let's start the session with the introduction. You need to work on your introduction. Take your phone or take a mirror, right, and record yourself. You need to introduce yourself. You need to introduce yourself as a person. आपने ख़ुद को इंट्रोड्यूस करना है खुद की समरी बतानी है पंद्रह सेकंड में आ, अपनी खुद की समरी बतानी है कि आप कौन हो राइट वट एवर योर एडुकेशनज़ आर आपकी क्या एडुकेशन है वेर आर यू फ्रॉम वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ योर जो भी इंटरेस्टिंग है आपके बारे में आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी जो इंटरेस्टिंग है आ, या आपने कोई गोल्ड मेडल लिया किसी चीज़ में जो भी एकम्पलिशमेंट है आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आपने पंद्रह बीस सेकेंड में बतानी है आई नो इट सीम्स टफ बट यू हैव टू डू दिस बी कॉन्फिडेंट बी पॉजिटिव राइट कॉन्फिडेंस के साथ आप ऑनेस्टली सारा आंसर करेंगे माइन व्हाट एवर योर नेम इज़ फॉलोड बाई व्हाट एवर योर नेम रईट एंड योर सिटी एंड इफ देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट योर फैमिली जस्टिस काज दैट फॉलोड बाई योर एडुकेशन जहाँ से भी आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का पोस्ट ग्रेजुएशन करा है एंड देन वट एवर योर वर्क एक्स जो भी है आपका जो भी काम आप कर रहे हैं दैट इज़ वॉट इट इज़ एंड मोस्ट प्रोबेबली वर्क एक्सपीरियंस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर द इंटरव्यू पैनल इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं किस टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे आई विल भी डिस्कशिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड द थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉयड तो फर्स्ट वन अवॉयड गिविंग योर पोलिटिकल ओपीनियंस सी टू डेज़ बैक आई वॉज टेकिंग अ मॉक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू ले रहा था एंड आई एंड आई आज द स्टूडेंट वाई द एन पी ए रेट इज हाई एट योर प्लेस आपकी ब्रांच में इतना एन पी ए हाई क्यों है अकॉर्डिंग टू हिम कि प्रेशर है बैक एंड से कि फ्यूचर में गवर्नमेंट लोन वेवर कर सकती है फार्मर्स का दैट इज़ वाई फार्मर्स हैव स्टॉप्ड गिविंग देयर ई एम आईज सो दैट दैट इज बिकॉज ऑफ द एन पी ए रेट इज़ हाई बिकॉज ऑफ़ द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट ने ऐसे झूठ बूट बोल दिया उनके एमएलए एम पी ने इसलिए हमारा एन पी ए हाई है उन्होंने बोल दिया वादा कर दिया कि हम वेवर कर देंगे इसलिए लोग लोन की किस्त नहीं पे कर रहे सो बेसिकली यू आर क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट हुटिसाइज द गवर्नमेंट हुई यू आर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट लोगों ने वोट किया है जनता वोट कर रही है गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट है जनता वोट कर रही है आप एक पी एस यू एंटिटी में जॉब करना चाहते हो यू आर नॉट सपोज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड दैट इज नॉट द राइट प्लेस आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे क्रिटिसाइज करो ये आपका राइट है लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे नेवर एवर डू द सिमिलर मिस्टेक अवॉइड गिविंग योर पोलिटिकल यू नीड टू डिस्कस द फैक्ट्स आप फैक्ट कैसे डिस्कस कर सकते हो अवॉइड र्यूमर्स वॉट एवर द र्यूमर आर उसको अवॉइड करो अगर लोन वेवर आ जाता है इफ़ देर इज अ लोन वेवर स्कीम यू कैन डिस्कस दैट वट एवर द गवर्नमेंट स्कीम्स आर वट एवर द लॉज आर देर आर वट एवर द स्कीम्स आर देर डिस्कस दैट अवॉइड डिस्कसिंग द फ्यूचर प्लान अवॉइड डिस्कसिंग द र्यूमर दैट इज द डिजासर दैट यू कैन डू इफ यू आर डिसकसिंग आरूमर इफ यू आर डिस्कशंस आर बेस्ड अपॉन आर यूमर इफ यू आर डिस्कशन इज बेस्ड ऑन अ न्यूज़ विच इज विच इज़ एन एक्सपेक्टेशन विच इज़ नॉट अ फैक्ट राइट नाओ लोन विवर जैसा कुछ आया नहीं है अभी तक तो आप कैसे उसके बारे में पूरा एक अपना प्लान बता सकते हो एंड बी पॉजिटिव इफ समबड़ी आस्ड यू वाई द एन पी ए रेट इज टेन परसेंट राइट नाओ एट योर ब्रांच आपकी जो ब्रांच है वो लॉस में है वाई इज इट दैट सर इट यूज टू बी ट्वेल्व परसेंट बिफोर मी देव देवर प्रॉब्लम एट द ब्रांच बट वी हैव रिड्यूस्ड टू टेन परसेंट हमने कम कर दिया है हम काम कर रहे हैं सर एंड वी आर टू टेक इट डाउन टू सिक्स परसेंट ग्रेजुअली विद इन नेक्स्ट टू ईर्यरस सो वी आर वर्किंग टूवर्ड दट ये जो टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट था पहले हमने इसको दस पे लाया हम इसको आठ पे लाएंगे बी पॉजिटिव डोंट गिव द रीजन्स आई मीन क्रिटिसाइजिंग द गवमेंट क्रिटिसाइजिंग योर सीनियर मैनेजमेंट डोंट डू दैट नेवर एवर डू दैट ओके एंड देन फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा था वाई एन पी ए रेट एट योर ब्रांच इन योर ब्रांच एट योर ब्रांच इज एट परसेंट विच इज़ हाई क्यों है स्टूडेंट ने मुझे क्या आंसर दिया द एक्सपेक्टेड लोन वेवर स्कीम एक्सपे वट यू मीन बाई एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है मार्केट में र्यूमर है कि लोन वेवर की स्कीम आएगी दैट इज वाई फार्मर्स आर नॉट पैंग यू नी टू गो टू द फार्मर्स यू नीट टू क्लैरिफाई दैट एट इज अ र्यूमर ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप एन पी ए जाओगे आपको आगे से लोन नहीं मिलेगा प्लीज डोंट डू दैट बट एक्सपेक्टेड फार्मर लोन वेवर स्कीम उसकी र्यूमर है मार्केट में एंड यू आर क्लेरिफाइंग यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ ये हो सकता है यू नॉट सपोज टू डू दैट दिस इज एक्सपेक्टेड जब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता आपके पास सर्कुलर नहीं आता है यू कैनॉट से येस टू दिस थिंग हाई डेथ रेट ये एक स्ट्रेंच सा रीजन मेरे को बताया गया कि बारह सौ लोन अकाउंट्स हैं हमारी ब्रांच में Uh, जिसमें से अभी मैं भूल गया हूँ एग्जैक्टली exactly कितने वन फिफ्टी इतने का मेरे को बताया गया वन थर्टी पता नहीं वन फिफ्टी इतना डिफॉल्ट है एंड द पर्सन टोल्ड मी कि इसमें से फोर्टी पीपल डाइड फोर्टी बोरोवर्स डाइड आई आस्ट हिम हाउ इट इज इवन पॉसिबल आई नो दैट प्राइवेट बैंक गिव लोन्स टू समबडी हु फाइव प्लस 65 से ऊपर के लोगों को लोन प्राइवेट बैंक तो नहीं देता कोई एन नहीं देती आई गेस अभी एस ने भी देना बंद कर दिया लेकिन इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच इन दैट पर्टिकुलर बैंक आई वोंट नेम दैट दे वर गिविंग लोन्स टू 75 फाइव ईय ओल्ड पर्सन पचहत्तर साल के बंदे को भी लोन दे रहे थे एंड ट्रस्ट मी वी आर टॉकिंग अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड के के लोन से इसमें मुद्रा के लोन से जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत कम है एंड द बैंक इज लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस वट इज शूड बी द आइडियल आंसर सर 12 परसेंट था हम इसको 8 परसेंट पर लेकर आए हैं हमने काफ़ी सारी रिकवरी करी है बाकी की जो रिकवरी नहीं हो पा रही है द पीपल एक्चुअली डाइड और उस पर भी हम देख रहे हैं क्या एक्शन लेंगे उसको राइट ऑफ करेंगे तो ये ब्रांच से हम देख रहे हैं बट वी आर डूइंग आर बेस्ट हम इस, इसका एन नीचे लेकर आ रहे हैं एंड फ्यूचर में कैसे इसको हम अवॉइड करेंगे वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द बैंक पॉलिसी हम बैंक की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं अगर हमें थोड़ी सी भी दिक्कत लगती है लोन अकाउंट में हम लोन इशू ही नहीं करते हम अप्रूव ही नहीं कर रहे हैं अपने एंड पे हम आगे भेज ही नहीं रहे हैं हम पहले उसको मना कर रहे हैं तो दैट इज हाउ वी आर कंट्रोलिंग आर एन रेट और आपको पढ़ना क्या है बैंकिंग uh, क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं रिलेटेड टू योर प्रोफाइल सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोफाइल क्या है गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एम फार्मर्स पेंशन वुमेन एम्पावरमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑन्टरप्रनोर स्किलिंग फंडिंग ये तो सबको पढ़नी है इफ़ यू आर फ्राम रिकवरी ऑफ़ द जनरल बैंकिंग रिकवरी इज़ अ पार्ट ऑफ यूर प्रोफाइल देन सरफाइसी एन आई बी जी यू आर सपोज टू डू दैट इफ ऑपरेशन योर प्रोफाइल इज ऑपरेशन नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड आई आर ए सी नॉम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इफ़ जनरल बैंकिंग रेगुलेशन जनरल बैंकिंग में आपका काम है तो प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग बेसल नॉम्स के वाई सी के नाम्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट फाइनेंशियल अवेरनेस आपको पढ़नी पड़नी है अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स अलाट ऑफ अदर प्रोफाइल्स कैन भी देयर मार्केटिंग की प्रोफाइल है अगर आपकी इवन इफ यू आर एन आर एम द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन भी आज फ्राम यू कैन भी टोटली डिफरेंट वो बिल्कुल अलग हो सकते हैं फ्राम वन पर्सन टू नदर बिल्कुल वेरी कर सकता है आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अपना जो है कॉन्टेंट पढ़िए सो दिस इज द प्रॉपर फॉर्मैट दैट वी आर फे वी आर डूइंग सो लेट मी जस्ट शो यू सो दिस इज द फॉर मैट स्टूडेंट्स वी डू अ मॉक इंटरव्यू इन द बिगनिंग एक फर्स्ट मॉक इंटरव्यू सेशन करते हैं दस पंद्रह मिनट का ही जिसमें वी गेट टू नो नो अबाउट यू एंड वी गिव यू द स्टडी मटीरियल बेस्ड अपॉन द फर्स्ट मॉक इंटरव्यू आप अपना शेड्यूल करवाइए मॉक इंटरव्यू व्हाट्सअप करके एंड देन वी वी प्रोवाइड द स्टडी मिटीरियल वी टेल यू एग्जैक्टली वेर एवर योर प्रॉब्लम आर आपके पर्सनल क्वेश्चन हैं Uh, या प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है हम आपको बताएंगे एंड विल गिव यू द स्टडी मीटीरियल वी हेल्प यू प्रैक्टिस दैन विल गिव यू डेली अपडेट्स देन प्रॉपर हेल्प इन द डॉक्यूमेंटेशन देन द रिव्यू फाइनल मॉक इंटरव्यू प्रॉपर थर्टी मिनट का दैट्स अ प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग विच हेल्प्स अ लॉट विच हेल्प द लॉट इन द पास्ट अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं आर आर बी का कभी दिया नहीं है दैट कैन बी एन इश्यू फॉर यू बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट्स हाउ वी आर हेल्पिंग आर स्टूडेंट्स राइट सो आई हैव डिस्कस ये जो मैंने केस स्टडी आपको बताई है ये वाली सो आई डिस्कस दैट विद अ स्टूडेंट टू और थ्री डेज बैक आई आई थॉट वाई नॉट टू शेयर दैट विद यू बिकॉज इट कैन हेल्प यू अ लॉट इतनी नेगेटिविटी से आप दूर रहिए पोलिटिकल ओपिनियन मत दीजिए बी पॉजिटिव बी एनर्जेटिक यू शुड हैव अ पॉजिटिव वाई ब्राइट एंड योर आंसर्स शुड बी बेस्ड अपॉन प्रॉपर फैक्ट्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ र्यूमर्स र्यूमर्स को अवॉइड करें फालतू की जो न्यूज कंटेंट भी आजकल है इवन दैट इज नॉट रेलेवेंट, वट एवर हैपन बेस्ड ऑन द अपॉन द फैक्ट्स, बेस्ड अपॉन द रिपोर्ट्स रिटर्न योर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शुड भी रिलायबल ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू डिस्कस सो दिस कॉस द आई बी पी एस आर आर बी जी बी ओ इंटरव्यू प्रिपरेशन कॉस All the important topics are covered uh, separately. Study material based upon your profile with recorded videos in English. Uh, on the digital board, we, we taught that. Link is available in the description. Link is available in the description. Go to the link and join the course. And list of our successful students. All these students that took our courses in the past and they crack their respective exams. I am really, really happy for them. And you can be one of them, Bank of Maharashtra Journalist Officer, RRB Scale 2, Scale 3, 2022. All these students that took our courses in the past and they cracked the respective exams. I'm really, really happy for them. If there is any doubt in your mind, please ask your doubts and we are going to answer your doubts. And that's, I guess, all for today, students. Thank you and have a very nice day. Bye bye.